छतरपुर में पत्रकारिता की आड़ में दवाओं की तस्करी करने वाले 3 पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि इनके पास से भारी मात्रा में कोरेक्स सिरप जब्त की गई है। छतरपुर के नौगांव में दवाओं की तस्करी करने के आरोप में 3 पत्रकारों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित कोरेक्स सिरप जब्त की गई है। पुलिस द्वारा लॉकडाउन के चलते वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान यूपी के रास्ते छतरपुर की ओर आ रही एक कार को पुलिस ने रोका तो उसमें बैठे 3 युवक टीआई को पत्रकारिता की धौंस देने लगे और जाने को कहा, लेकिन पुलिस ने जब उस कार की तलाशी की तो उसमें से 280 सीसी कोरेक्स सिरप मिली। कार में जो परमिशन की चिट लगाई गई थी वो भी फर्जी पाई गई। पुलिस ने इरफान अजुद्दीन, राममूर्ति यादव, सुनील रेखवार, खुद को एक चैनल का पत्रकार बता रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दरअसल लॉकडाउन में शराब की दुकान बंद है, ऐसे में ये लोग पत्रकारिता की आड़ में इस प्रतिबंधित सिरप को चोरी छिपे बेच रहे थे। ये जो दवाइयाँ हैं जो खांसी कफ में नशीली रहती हैं और ये मुखबर की सूचना पर से भरार नदी नेहकुमार रोड पर जे एक डिजायर कार MP06CV1816 है, मैं 3 लड़कों को जब चेक किया और इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना नाम, एक ने इरफान नाम बताया और राममूर्ति यादव सुनील रेखवार निवासी छतरपुर का बताया है। जब इनकी कार की तलाशी ली गई तो कार की तलाशी में से 3 इनके आइडेंटिटी कार्ड जो एक्सेल प्रेस 24x4 चैनल के आइडेंटिटी कार्ड मिले हैं तथा एक आईडी जिनसे जो स्पीकर रहता है वो इनसे मिला है और उसकी डिग्गी से 280 कौड़ी स्टार कप की सिरप मिली, जिन्हें मौके पर उनको जब्त किया गया। और पहले तो इन लोगों ने पुलिस को झांसा देने का प्रयास किया कि हम लोग चीफ ब्यूरो हैं और आप किससे बात करना चाहते हैं, DGP से करा देंगे, SP से करा देंगे, लेकिन पुलिस इनके झांसे में नहीं आई और इनको अच्छे से व्यवहार से लाए गए। तो ये तस्कर निकले और ये बांदा उत्तर प्रदेश से इसी नशीली दवाइयों को लाकर और ये दुगने तिगने भाव में युवाओं को जो नशीले को बेचते हैं, पूछताछ में लोगों ने बताया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।